हम जिस स्थान में आज गए हैं वो गरुड़ से बागेश्वर जाने वाले मार्ग में गागरीगुल से नीचे दिव्येश्वर महादेव और माँ दिव्येश्वरी का पावन स्थल है। मुख्य प्रवेश द्वार माँ दिव्येश्वरी मंदिर का है। अब हम बढ़ रहे हैं एक और दिव्य स्थान की ओर और जो जाने जाते हैं दिव्येश्वर महादेव और माँ दिव्येश्वरी मैया के नाम से। ये प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है। ये बाबा भैरवनाथ विराजित हैं, सुशोभित हैं और ये हैं दिव्येश्वर महादेव। ऐसे स्थान में ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है और गुफा के अंदर नागों की आकृति के पत्थर की आकृति बनी हुई है और इसकी एक एक बनावट को आप निहारे, हमने भी निहारा। ये पेड़ ने इन पत्थरों को जकड़ करके रखा है और कैसे ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ, और ये सामने कलकल बहती हुई गोमती है जिसमें गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है। ये स्थान विशाल पाषाण से निर्मित कटा हुआ पत्थर है और इन कटे हुए पत्थरों को एक वृक्ष ने बिल्कुल जकड़ सा रखा है। ये कल्पनाओं से परे और ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आप कृतार्थ होइए। ये गुफा है नंदी महाराज के ठीक सामने की तरफ कलकल बहती हुई अविरल माँ गोमती नदी है। बड़ा पावन, बड़ा मनोहारी दृश्य है।